नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज़। देश का सच दिखाते हैं हम। 14 नवंबर 2020 दिवाली वाले दिन हुए हत्याकांड में, जिसमें विशाल पुत्र फूल सिंह उम्र 19 वर्ष की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्याकांड के संदर्भ में एसपी सिटी ने की वार्ता। देखिए, 14 नवंबर 2020 को दिवाली के दिन पे एक बाजार में, जो छत्ता क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे एक युवक की चाकू से भोंक कर उसकी हत्या की गई थी। इसमें नामजद मुकदमा दर्ज था, तीन लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज था, एक बाप और उनके जो दो बेटे हैं उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज था। जो हत्या का कारण इसमें सामने आया है वो है कि जो मृतक है उसके इन लोगों की बहन के साथ उसके संबंध थे। उस प्रकरण में पूर्व में 363-66 का मुकदमा लिखा गया था और इस मृतक को इसको जेल भी भेजा गया था। जेल से छूट के आने के बाद इसने फिर से इस लड़की से संपर्क करने की कोशिश की थी। इसी बात को लेके इनके परिवार के बीच में काफ़ी सारा तनाव था। जब ये मार्केट में उस दिन घूम रहा था तब इन लोगों ने उसकी चाकू से रेत कर उसकी हत्या कर दी। इसमें से एक जो अभियुक्त है सागर, उसकी अभी गिरफ्तारी हुई है। इसमें दो अभियुक्त अभी शेष है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इसमें कई टीमों का गठन भी इसमें किया गया है इनकी गिरफ्तारी हेतु।